Hello students, in this session we are going to continue with exercise 5.1, question number 4, sum number 7th, 0, minus 4, minus 8, minus 12 and so on. सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं. उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला डिफरेंस फाइंड करते हैं जो कि होगा सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में. यहाँ पे सेकेंड टर्म है माइनस 4, फर्स्ट टर्म है 0, तो ये आ जाएगा माइनस 4. सेकेंड डिफरेंस फाइंड करो जो कि होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म इज माइनस 8, फिर माइनस, फिर सेकेंड टर्म इज माइनस 4. सो हियर माइनस 8 प्लस 4 दैट इज माइनस 4 इटसेल्फ. यानी कि दोनों डिफरेंस जो है वो हमें कैसे मिले हैं, सेम मिले हैं. तो इसका मतलब d1 इज इक्वल टू d2. देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP. ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो AP बना रहा है. अब अगर AP बना रहा है तो जो माइनस 12 आखिरी टर्म दिया है उसके बाद के तीन टर्म्स हमें फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे, माइनस 12 के अंदर कॉमन डिफरेंस जितना प्लस करके, तो दैट विल बी माइनस 12 माइनस 4 यानी कि माइनस 16. फिर इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस प्लस करो, माइनस 16 प्लस माइनस 4. माइनस 16 माइनस 4 दैट इज माइनस 20. इसमें भी 4 प्लस करो, माइनस 20 प्लस माइनस 4, ये होगा माइनस 20 माइनस 4 दैट इज माइनस 24. तो जो AP दिया है उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर माइनस 16 माइनस 20 एंड माइनस 24. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर 8, माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2. तो पहले फर्स्ट डिफरेंस जो कि होगा सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच में, सेकेंड टर्म इज माइनस 1/2, फिर माइनस एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो माइनस 1/2. इसको सॉल्व करो, माइनस 1/2 माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस 1/2, तो इसका डिफरेंस होगा 0. फिर सेकेंड डिफरेंस फाइंड करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज माइनस 1/2, फिर माइनस एंड सेकेंड टर्म इज ऑल्सो माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस 1/2 एंड द डिफरेंस इज 0. तो दोनों डिफरेंस जो है वो हमें कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं. हियर डिफरेंस नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू डिफरेंस नंबर सेकेंड. देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन AP. अब अगर ये AP बनाएगी तो इसके बाद वाला टर्म हमें फाइंड करना है. ये है माइनस 1/2, इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो इसमें डिफरेंस प्लस करो, माइनस 1/2 प्लस 0 करोगे तो हो जाएगा माइनस 1/2. अब इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस प्लस करो जो कि 0 है, तो अगेन इट विल बी माइनस 1/2. और इसके बाद वाला टर्म चाहिए तो इसमें भी 0 प्लस करो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2. सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP आर माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2. क्लियर. नेक्स्ट इज सम नंबर 9th, 1, 3, 9, 27. पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं जो कि होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 दैट इज 2. फिर सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 माइनस 3 दैट इज 6. दोनों डिफरेंस अलग अलग है. d1 इज नॉट इक्वल टू d2, दैट मीन्स गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP. ये जो लिस्ट दिया है वो AP रिप्रेजेंट नहीं करता. क्लियर.